अमित जाटव की कुछ दिन पहले सिद्धार्थ नगर गोबर चौकी में राठौड़ों की बस्ती में परिजनों के मुताबिक हत्या कर दी गई थी, जिन्होंने हंसराज पर इल्ज़ाम लगाया कि हंसराज और उसके घर वालों ने हमारे लड़के की हत्या की है। आज भी बड़ी संख्या में आईजी ऑफिस में जाकर लोगों ने आगरा रेंज आईजी सतीश गणेश को ज्ञापन सौंपा और कहा कि अमित के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। अमित की पत्नी छोटी बच्ची लिए फूट फूट कर रो रही थी और उनके तमाम बंदिश वासिंदे ने जो मोहल्ले के निवासी दूर दराज के लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल थे। लोगों ने कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम पूरी तरह से सड़कों पर उतार हो जाएंगे। हर तीसरे और चौथे दिन किसी न किसी की हत्या होती रहती है। आईजी महोदय ने इनको आश्वासन दिया है कि आपको जल्द ही न्याय मिलेगा। आगरा से मोहम्मद इस्लामुद्दीन की खास। हमने यही कहा है आईजी साहब से, इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और जो अमित नाम का जो व्यक्ति जाटव व्यक्ति था जिसकी हत्या हुई थी उसमें स्लो कार्रवाई हो रही थी। उस संबंध में आज हम सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पीड़ित परिवार के लोग भी साथ में हैं, हम सब लोग आए हैं और आई सामने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द मतलब इसमें तत्काल निर्वाही तरीके से कार्रवाई कराएंगे और एसएसपी साहब ने बोला है कि कोई भी समस्या हो आप हम लोगों को अवगत कराइएगा, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की एतराजी नहीं बरती जाएगी। कुछ मुकदमों के लेके इन्होंने ज्ञापन दिया है आईजी साहब को, इन्होंने ज्ञापन देना चाहा था तो मैंने ज्ञापन इसमें रिसीव करके आईजी साहब को हैंड ओवर किया। सर हर तीसरे दिन इस तरह से जो है सामने आती रहती है, क्या करें? हत्याएं होती हो रही है, उसमें सॉल्व भी हो रहा है सारे मुकदमे में, प्रभावी कार्रवाई भी।